दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए फिश फ्राई बनाने जा रही हूँ। ऐसे तो आपने फिश फ्राई कई बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे इस तरीके से फिश फ्राई को बनाकर देखें। इसका तीखा और चटपटा टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा केजी फिश को अच्छे से धोकर साफ करके ले लिए हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच सरसों के दाने का पेस्ट, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से फिश के पीसेस में लग जाए। देखिए मसाले अब अच्छे से इसमें लग गए हैं। अब इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। देखिए सब मसाले और नींबू का रस अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे आप चाहे तो 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें या फिर इसे तुरंत भी तल सकते हैं। तो अब इस फिश के पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। पैन में सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो कोई और भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें फिश के पीसेस को एक एक करके डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे पलट लेंगे। देखिए एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे पलट लेंगे। इसी तरह से पलटते हुए इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। देखिए ये अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें दो प्याज को इस तरह से लंबाई में काट कर इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। एक बार और फिश के पीसेस को पलट लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और हमारी फिश भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे एक बार और दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश के साथ प्याज भी अच्छे से अब फ्राई हो गए हैं। अब हमारी फिश फ्राई बनकर तैयार है। आप एक बार इस तरह से फिश फ्राई जरूर बनाकर देखें। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर भुना हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता और ऊपर से प्याज डालकर इसे सर्व कर लेंगे। बनने के बाद इसका तीखा और चटपटा टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।